हेलो ब्राइट स्टार ऑफ माय कंट्री, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समझ लिया होगा आपने। और मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने एक लेक्चर स्पेशल उसी पे ले लिया था, वो आपको मैंने समझा दिया था। कुछ और भी क्वेश्चन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जो होंगे वो सीट में होंगे, उसे हमें सॉल्व करना है और नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सीखना है। और याद रखना, हम दिसंबर जो लास्ट तक कोर्सेज फिनिश करेंगे और प्रॉपर प्रिपरेशन आपकी अभी से जो है जारी रहनी चाहिए। आप नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट बनाएंगे, नोट्स क्या होगा उससे कंसेप्ट क्लियर होगा, शॉर्ट नोट क्या होगा जब जब टेस्ट होगा, जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको मदद करेगा, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल ख़त्म हो चुका है और स्ट्रक्चरल आइसोमर की कैलकुलेशन भी मैं बता चुका हूँ। टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट अपना नया नया टॉपिक, सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप जानते हैं, यू नो अबाउट स्टीरियो 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 आइसोमेरिज्म को पहले समझ लो। स्टीरियो आइसोमर होता क्या, ठीक है। आप कभी भी ऐसे दो कंपाउंड को देखना, दो दो से अधिक भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, है ना, जिनके मॉलिकुलर फार्मूला आपको सेम दिखे और स्ट्रक्चरल फार्मूला, SF मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होना चाहिए, लेकिन मॉलिक्यूल में एक मेन पार्ट होगा, रिजिड पार्ट होगा, और उस मेन पार्ट या रिजिड पार्ट के चारों तरफ एटम या ग्रुपों का अरेंजमेंट अलग अलग होना चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर ग्रुप, अराउंड मेन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, कार्बन चेन भी कह सकते हैं, है ना, या अराउंड मेन पार्ट। ये डिफरेंट होना चाहिए, तब उस समय इनको हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर। उस समय उनको बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। लेकिन याद रखे, कोई भी आइसोमर स्टीरियो आइसोमर तभी होगा जब उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो। मतलब अब स्ट्रक्चरल फार्मूला हम कैसे पता करेंगे, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर ना हो, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामर्स, फंक्शनल आइसोमर, स्टाइटोमर्स, ये ना हो, तभी हम उसको स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे। या यूं कहो, स्ट्रक्चरल फार्मूला चेक करने का क्या तरीका, स्ट्रक्चरल फार्मूला चेक करने का क्या तरीका है कि मॉलिक्यूल क्या IUPAC नेम लिख लो। सीधा सीधा IUPAC नेम लिखना आपको आता है, नाम अगर अलग हो गया तो समझ जाना स्ट्रक्चर अलग होगा। स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कनेक्शन ऑफ एटम, कनेक्टिविटी ऑफ एटम, जो कि मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर में पढ़ा चुका हूँ। या यूँ समझो, अगर आपको आसान तरीके में, आसान शब्दों में समझना है तो आप IUPAC नेम लिख लिया करो, नाम अलग दिखे तो स्ट्रक्चरल आइसोमर, नाम सेम दिखे लेकिन आपको उसमें ग्रुप की पोजीशन में अंतर दिखे, मॉलिक्यूल के चारों तरफ स्पेस में ग्रुप की पोजीशन में अंतर दिखे, तब उनको हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। तो डिफिनीशन लिखो, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर ग्रुप, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप अराउंड मेन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज, सॉरी, अराउंड मेन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक। ये शॉर्टकट। अब मैं आपको कुछ आइसोमर लिख रहा हूँ, अब आपको पहचानना है इसमें कौन आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं और कौन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है, ध्यान से पहचानिएगा।
आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स एमंग फॉलोइंग। स्ट्रक्चरल जो होंगे वो स्टीरियो नहीं होंगे, जो स्ट्रक्चरल नहीं है अगर आइसोमर है तो स्टीरियो होने के चांसेस हैं। आइसोमर या तो स्ट्रक्चरल होगा, आइसोमर या तो स्ट्रक्चरल होगा या तो स्टीरियो होगा, स्ट्रक्चरल नहीं है तो स्टीरियो होगा। ठीक है, जैसे बहुत इजी, केमिस्ट्री बहुत इजी है, ओके बहुत इजी, बस आपको एक बार कंसेप्ट एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए, क्लियर।
ये देयर आर एट पेयर हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन स्ट्रक्चरल आइसोमर को रिप्रेजेंट करते हैं और कौन स्टीरियो आइसोमर को रिप्रेजेंट करते हैं. विच आर रिप्रेजेंटिंग स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड विच आर रिप्रेजेंटिंग स्टीरियो आइसोमर्स, यू हैव टू डिसाइड. बहुत सिंपल. चलो कैसे बताऊं, आप कुछ मत करो, इनके आईयूपीएसी नेम लिखो. नाम कैसे लिखोगे? 1, 2, 3, 4. इसका नाम लिखोगे तो ये आएगा पेंट 1A. इसका नाम आएगा पेंट 1A. सॉरी मैंने गलत लिखा, ये चार ही कार्बन है तो पेंट कैसे आएगा? ब्यूट आएगा, ब्यूट 1A. ठीक है, इसका यूपीएससी नेम लिखेंगे तो आएगा 1, 2, 3, 4 ब्यूट 2E. एक का नाम ब्यूट 1-ईन, एक का नाम ब्यूट 2-ईन. देखो इसमें ईन की पोजीशन चेंज हो रही, ये तो इनके नाम बदल गए, तो ये आपस में नाम चेंज हो गए ना, तो इसलिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे. नाम बदलते ही बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होंगे. तो यहाँ पर लिखेंगे वन जो पेयर है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. वन तो स्ट्रक्चरल, या कनेक्शंस भी देख सकते हैं. इसका पहला कार्बन 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है और इसका पहला कार्बन 3 हाइड्रोजन से कनेक्शन है, तो कनेक्शन भी अलग हो गया. स्ट्रक्चर कनेक्शन जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं, तो स्ट्रक्चर या कनेक्शन डिफरेंट होने पर उनको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. नेक्स्ट, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन क्लियर. मैं पहला मिटा रहा हूं, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें. लिखो झट से, जब भी कोई सवाल हो इसका नाम लिखो. नाम आपको आईयूपीएसी नेम तो बहुत इजी है, सबको आता है ना, ये 1, 2, 1, 2 डाई क्लोरो इथीन. व्हाट इज नेम? 1, 2 डाई क्लोरो इथीन. इसका नाम देखो, यहां पर चेक करो, यहां पर भी 1, 2, 1, 2 डाई क्लोरो इथीन. नाम तो सेम हो गया, कनेक्शन भी सेम है. वन कार्बन का कनेक्शन एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ है, वन कार्बन का कनेक्शन एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ है, सेकंड कार्बन का कनेक्शन एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ है, सेकंड कार्बन का कनेक्शन एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ है, कनेक्शन भी सेम. फिर आईयूपीएसी नेम तो सेम हो गया, कनेक्शन सेम हो गया, स्ट्रक्चर सेम हो गया, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको आपस में बोलेंगे, चूंकि नेम सेम हो गया लेकिन प्रॉपर्टी में अंतर होगा. क्यों? क्योंकि इसमें बड़े साइज के जो क्लोरीन है वो एक तरफ और इसके बड़े साइज के जो क्लोरीन है वो अपोजिट है, तो इनके बीच में रिपल्शन इंटरेक्शन, क्लोरीन क्लोरीन के बीच का रिपल्शन अलग होगा, इनके बीच रिपल्शन का लेबल अलग होगा. तो पक्का रिपल्शन टेंशन के लेबल अलग होने से हाफ लाइफ टाइम अलग अलग होगी, तो पक्का ये दो अलग अलग केस हो गए. इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, इनकी स्टेबिलिटी चेंज होगी. आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है इनका डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, इनकी पोलरिटी चेंज होगी, इनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होंगे. तो आपको यही तो कहते हैं, जब दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और लेकिन प्रॉपर्टी में अंतर हो जाए तो उनको आइसोमर्स कहेंगे. तो ये आइसोमर हैं, स्ट्रक्चरल नहीं है तो कौन से आइसोमर होंगे? स्ट्रक्चरल नहीं है तो इनको बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स. ये जो 1, 2 के बीच में एक कार्बन चेन है, ये दो कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, इसके अलॉन्ग क्लोरीन का जो डायरेक्शन है अलग अलग, इसमें क्लोरीन इस पेरेंट कार्बन चेन के एक साइड जुड़ा हुआ है और इसमें क्लोरीन जो है अपोजिट अक्रॉस जुड़ा हुआ है, तो ये आपस में कहलाएंगे, ये डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, क्लोरीन के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है. स्पेस में इनके अरेंजमेंट अलग अलग हैं तो इसलिए इनको स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म कहते हैं. स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम होता है स्पेस आइसोमेरिज्म. ठीक है, तो स्टीरियो या स्पेस इनको बोलेंगे स्टीरियो या स्पेस आइसोमर्स. बस अब स्टीरियो स्पेस आइसोमर्स में भी और कोई आइसोमर हो सकता, देखते हैं हम लोग. ओके, इनके बीच बात करें हम, इनका नाम लिखेंगे तो यहाँ पर देखो 1, 2, 1, 1 डाइक्लोरो 1, 1 डाई क्लोरो इथीन और इसका नाम आएगा 1, 2, 1, 2 डाई क्लोरो इथीन. 1, 1 डाई क्लोरो इथीन, 1, 2 डाई क्लोरो इथीन. नाम इनके क्या आ रहे हैं? देख लो इनके नाम डिफरेंट आ रहे हैं. ये
वन वन डाइक्लोरोइथीन या वन टू डाइक्लोरोइथीन, नाम इनके क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं कि डिफरेंट आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं। तो जब नाम डिफरेंट हो गया तो ये आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स नहीं कहलाएंगे। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कौन सा आइसोमर है? पहले क्लोरीन की पोजीशन, फर्स्ट केस में क्लोरीन वन पोजीशन पे है, दोनों एक क्लोरीन वन पे है, दूसरा भी वन पर है। सेकेंड केस में एक क्लोरीन वन पे है पर सेकेंड क्लोरीन टू पर चला गया, तो ये पोजीशन आइसोमर्स, ओके, दे आर कंसीडर एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, ओके, क्लियर कट। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट। ओके, आपने आंसर दे दिया होगा इसका, इसका नाम आपने लिखा होगा, ये वन कार्बन, ये टू कार्बन, थ्री फोर फाइव साइक्लो पेंटेन, वन टू डाई और साइक्लो पेंटेन, वन टू डाई और इसका भी नाम होगा साइक्लो पेंटेन, वन टू डाई और देख लो नाम इसका सेम है, साइक्लो पेंटेन, वन टू डाई और। अरे नाम तो सेम है लेकिन यहाँ पर दोनों OH इस साइकिल के कंपेयर में एक तरफ, वेज का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ, जहाँ पर वेज बॉन्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये साइकिल अगर ऐसी है, ये साइकिल अगर ऐसी है तो इस साइकिल में दोनों OH बाहर की तरफ है, आपकी तरफ, जिधर से देख रहे हैं ये साइकिल है, हम लोग इधर से देख रहे हैं तो देखने वाले की तरफ है, टूअर्ड्स ऑब्जर्वर, इसमें एक देखने वाले की तरफ है, एक देखने वाले से दूर, वेज लाइन और डैश लाइन, इसका मतलब आप जानते हैं। तो ये ध्यान देना बस, लेकिन OH सेम डायरेक्शन में है, OH अपोजिट डायरेक्शन में है, तो पक्का इनकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, प्रॉपर्टी चेंज होगी तो ये आइसोमर्स होंगे। पर अब स्ट्रक्चरल आइसोमर है नहीं तो क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर। इस साइक्लोपेंटेन रिंग के अलॉन्ग एक में दोनों OH एक तरफ है और एक में एक OH पीछे है और एक OH बाहर है, है ना। तो स्पेस में साइक्लोपेंटेन रिंग के अलोंग जो OH का डायरेक्शन है ये चेंज हो रहा है, इसलिए वो स्पेस में इनके OH के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इनको हम बोलेंगे स्टीरियो या स्पेस आइसोमर्स। तो ये स्ट्रक्चरल नहीं होंगे तो ये क्या लाएंगे, स्टीरियो या स्पेस, स्टीरियो आइसोमर्स। चौथा केस स्टीरियो आइसोमर्स। नेक्स्ट, यहाँ पर जब आप नाम लिखिएगा, एक वेज है एक डैश जरूर है, पर इसका नाम आएगा वन टू, वन टू डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, आप पूरा नाम लिखिएगा वन टू डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, इसका नाम लिखिएगा वन थ्री डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, क्योंकि एक मिथाइल वन पोजीशन मिलेगा तो दूसरा मिथाइल थर्ड नंबर पर चला गया, अब नाम बदल गया, ये 1,3 डाई मिथाइल हो गया या 1,2 डाई मिथाइल, तो ये आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, ये स्टीरियो नहीं होंगे, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्लियर, नाम बदल गया, स्ट्रक्चरल, नाम सेम है, स्टीरियो, ओके, स्टीरियो होने के चांस है। अगला, मिटा दूं, ओके, अब हम बात करें इसमें सिक्स नंबर, इसमें कैसे बताएं, इनका यूपीएससी नेम लिखेंगे तो आएगा वन टू थ्री फोर, थ्री सॉरी टू थ्री डाई क्लोरो ब्यूटेन, टू थ्री डाई क्लोरो ब्यूटेन, इसका क्या नाम आएगा, टू थ्री डाई क्लोरो ब्यूटेन। लेकिन दोनों में अंतर है, इसमें जो सीएल है ध्यान दीजिएगा, ये सीएल ये एक दूसरे से दूरी पर है और इसमें जो सीएल हमने लिख रखा है ये नजदीक लिख रखा है, तो पक्का इनकी प्रॉपर्टी में अंतर जरूर आएगा, और जब प्रॉपर्टी में अंतर होगा तो ये आइसोमर होंगे। अभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो नहीं है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर कनेक्शन सेम है, आईयूपीएसी नेम सेम है, तो स्टीरियो आइसोमर्स है, तो दे आर स्टीरियो। ये कौन से आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर्स, हो गए, ओके। इनके बारे में बात करें, इसका नाम होगा, देखिए आईयूपीएसी नेम वन टू थ्री, टू एमाइनो प्रोपेनोइक एसिड, इसको बोलेंगे टू एमाइनो
प्रोपेनोइक एसिड, इसका एक कॉमन नेम, इसको एलानिन एमिनो एसिड कहा जाता है, इससे प्रोटीन बनता है, फ्यूचर में बताएंगे जी। यह टू एमाइनो प्रोपेनोइक एसिड, इसका यूपीएससी नेम लिखेंगे, 1, 2, 3, टू एमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। टू ए पी ए मतलब टू एमाइनो प्रोपेनोइक एसिड, नाम आपको लिखना था, दोनों के नाम सेम है लेकिन दोनों में एक अंतर है। इसमें OH से क्लॉकवाइज चलने पर NH2 मिलता है और NH2 से क्लॉकवाइज चलने पर CH3 मिलता है। इसमें CWS से क्लॉकवाइज चलने पर NH2 मिलता है, NH2 से क्लॉकवाइज चलने पर CH3 मिलता है। इसमें CWS से क्लॉकवाइज चलने पर H मिल रहा है। तो यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी चेंज होती है इनकी, वो ऑप्टिकल आइसोमर की प्रॉपर्टी चेंज होती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये भी नाम तो सेम है पर प्रॉपर्टी एक भी चेंज हो गई, तो स्टीरियो आइसोमर कहेंगे, तो ये भी कहलाएगा स्टीरियो आइसोमर। ये कैसे पता चलेंगे कि ये ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है, ये आगे हम पढ़ाएंगे। अभी बस हमें इतना बताना है कि जब नाम सेम हो गया और कुछ अंतर है, कुछ भी अंतर है, नाम सेम हो गया, थोड़ा बहुत भी अंतर अगर है यहाँ पे, तो उसमें हम बोलेंगे प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो जाए। इन दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग अलग होती है, एक लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को आगे पढ़ाएंगे हम, और एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल तो नहीं है, ये स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो, ओके। इसमें बात करें, इसका नाम होगा 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन और इसका नाम होगा 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, तो नाम बदल जाएगा, और जब नाम बदल जाएगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाएगा। मैंने सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को मिटा दिए, ठीक है, तो मैं इसी स्ट्रक्चरल आइसोमर को भी मिटा देता हूँ। मैंने स्टीरियो बचा रखे क्योंकि मुझे स्टीरियो में अब स्टार्ट करना। अब देख ध्यान देना, स्टीरियो आइसोमर आपको कैसे दिखेंगे, कितने तरह के, एक तो वो दिखेंगे जहाँ पर दो एटम के बीच में रोटेशन संभव नहीं, या दो कार्बन जहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट हैं उनके बीच में रोटेशन संभव नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 1 कार्बन और 2 कार्बन के बीच में रोटेशन संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझा दूँ कि जैसे हमारे हाथ को अगर हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें, या ये दोनों मार्कर को हम इस यहाँ पर ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें, ठीक है, तो यहाँ पर रोटेशन संभव है, एनर्जी मिलने पर ये रोटेट कर सकता है, या किसी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा तो इसमें रोटेशन संभव है। मतलब ये हो सकता है पैरेलल हो सकता है 1 डिग्री पर हो सकता है 2 डिग्री पर हो सकता है 90 डिग्री पे चला जाए, हो सकता है 180 डिग्री पे चले जाए, ऐसे घूमता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। तो जहाँ पर ग्रुप सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं वहाँ रोटेशन संभव होता है, ठीक है, और जहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं या मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, या जहाँ साइकिल नहीं होता वहाँ रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। अगर हम इनको आपस में मल्टीपल बॉन्ड से जोड़ दूँ, डबल बॉन्ड से जोड़ दूँ, तो जब आप इसे रोटेट करने जाएंगे तो एक डबल बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड को रोटेट करेगा, यहाँ पर रोटेशन नहीं होगा। या ये साइकिल से जुड़े हों तो साइकिल में भी रोटेशन नहीं हो पाता, क्योंकि जब आप रोटेट करेंगे तो साइकिल का एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को रोकेगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो एक तो वो है जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है, जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है उन आइसोमर को कहा जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। वो स्टीरियो आइसोमर जहां पर रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन हो उनको कहते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और जहाँ पर रोटेशन संभव हो और रोटेट करके आइसोमर एक दूसरे में बदल सके, जैसे यहां पर ये रोटेशन संभव है, यहां पर ये क्लोरीन रोटेट करके उस सेम साइड आ सकता है, तो जहां पर रोटेशन की पॉसिबिलिटी होती है उनको कहा जाता है कंफर्मेशनल आइसोमर्स या रोटेशनल आइसोमर्स। अच्छा, जहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाए, ऑप्टिकल एक्टिविटी, एक की ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग हो, दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग हो, उनको ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाता है। समझ में आ गया? तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म 3 तरह के हैं, एक है रोटेशनल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, तीसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।